आप इसे जब तक चाहें रख सकते हैं, ये कभी बासी नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बेलपत्र तोड़कर लाए हैं। आप देख सकते हैं कितने हरे कोमल पत्ते हैं, नए नए पत्ते अभी निकल रहे हैं। बड़ा ही लुभावना पत्ता है। इसमें कुछ कटे और फटे पत्ते रहते हैं जिसे हम चुन लेंगे और इसके डंठल को भी थोड़ा तोड़ लिया जाता है। पूजा करने के पहले ये लंबे डंठल होते हैं, इसे पीछे से थोड़ा तोड़ दिया जाता है, तब भोले बाबा को अर्पण किया जाता है। कुछ पत्तों को हम चुन कर यहाँ पर रखे हैं। अब देख सकते हैं डंठल को भी हम पीछे से थोड़ा तोड़े हैं और सजा कर रखे हैं। कुछ पत्तियों को हम फूल के साथ रखे हैं जिसे अभी पूजा में भोले बाबा को अर्पण करेंगे। और इनमें से भी सभी पत्तियों को चुन कर रख लेंगे। और बेलपत्र बासी नहीं होता है जब तक आप इसे चढ़ा सकते हैं, देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र और तुलसी दल कभी बासी नहीं होता है। अब हम सभी पत्तियों और डंठल को तोड़कर रख लेते हैं। आप लोग भी बेलपत्र से भोले बाबा की पूजा करें। जय भोलेनाथ। सभी बेलपत्र को हम चुनकर तोड़कर रख लिए हैं और अब इसे हम रोज़ इससे पूजा करेंगे। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता जब तक इसकी पत्तियां टूटकर बिखर न जाए। आप इससे पूजा कर सकते हैं।